अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं और अफीरा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपने अपना वीडियो का स्टाइल क्यों चेंज किया है। पहले वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा था, हमें पता है वो स्टाइल हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन उस स्टाइल में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें हमें कॉपीराइट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। और हमारी वीडियोज़, आपको हम लोग काफ़ी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हमारी वीडियोज़ ब्लॉक हो रही हैं, कॉपीराइट का इशू है, हम लोग वीडियोज़ पर रिएक्शन नहीं बना पा रहे। तो आप में से कुछ हमारे भाइयों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाएंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट जो है नहीं आएगा और आपकी वीडियोस ब्लॉक नहीं होगी। और हमने वाकई में ये चीज़ देखी है कि जब से हम इस स्टाइल में आए हैं, हमने काफ़ी वो वीडियोस भी की हैं जो पहले से हमारी ब्लॉक हो जाया करती थी। तो इसलिए हमने स्टाइल चेंज किया है और इसका कोई रीज़न नहीं है। तो अगर अगर आपको मज़ीद हमें कोई सजेशन देना चाह रहे हैं या हमें कोई वीडियोज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हमें आप आने वाले दिनों में आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में आके, जैसे आप पहले से हमें दे रहे थे रिक्वेस्ट, वहाँ पर दे दें। Instagram का हमारा ये प्रॉब्लम हुई है, Instagram हमारा हो गया था हैक, और वहाँ पर हैक होने की वजह से वो रिकवर तो हो गया लेकिन हमारे तमाम मैसेज जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। तो इस वजह से आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी सारी वहाँ से चली गई हैं। तो आप कोशिश करें कि Instagram की जगह हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में ही आके अपने जो रिक्वेस्ट है दोबारा से दे दें, तो हम लोग कोशिश करके उस पर जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है वो टर्किश आर्मी के ऊपर है। टर्किश आर्मी आपको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन करते हैं, मैं और अफीरा की दोनों की फेवरेट है, और इसमें बल्कि दुनिया की फेवरेट है। तो आज जो हमारा वीडियो है इसमें कुछ इनकी इनकी मशकें हैं, कुछ चीज़ें हैं, और मैं बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो फ़ौरन चलाते रहेंगे। चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको रिएक्शन पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले फ़ौरन देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। ये कोई सूरत मायदा सब मशकें हो रही है ना। ओह, ये हमने पहले भी देखा था। देखो उल्टा, बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है। हाँ, वेरी नाइस। एक तो इतनी सारी डिपार्टमेंट्स हैं फौज के, पुलिस के, ओजेल हो गया, उसके बाद बड़े फौज के अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और सबके सब की जो वर्दी है, सबके जो एक बॉडी लैंग्वेज है, सब बहुत प्रोफेशनल है, और पुलिस भी लगता है कि बहुत बहुत हैवी किस्म का, कमांडोस की तरह, कमांडोस की तरह। हाँ, और मुझे लग रहा है वो देखें झंडा जो है वो अजरबैजान का है। कौन सा? ये देखें शर्ट के ऊपर। बिल्कुल हाँ, सेंटर में एक नजर तो आ रहा है, लेकिन ये अजरबैजानी नहीं है। ठीक है, हाँ ये टर्किश ही है, लेकिन वो शायद झंडा उसके पास है अजरबैजान का। क्या हो सकता है ये अजरबैजानी? हाँ, मिक्स है मुझे ये लग रहा है। ओके, मुश्किल है।
एकदम से वाओ स्नाइपर आई लव दिस मुझे पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है मैंने हाँ। अभी तक मैं सिर्फ आंखें बंद करके करूंगी मैंने कभी की नहीं लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अकेले जंप करूं हाँ। और वहां पैराशूट से तो लेकिन अभी तक तो नहीं की लेकिन हो सकता है कि हम लोग तुर्की आके वो करें हाँ। और मैं तो आंखें बंद करके करूंगी देखो सामान कितना ज्यादा हाँ। उनके पास है उनसे चला भी नहीं जा रहा होता इतना सामान लेके उन्हें खोलना होता है और काफी चीजें इनके ऊपर हैं और वो फ्लाइंग कर रहे हैं और वो देखें इस तरह उन्होंने अपने आप को किया वाओ पूरी वर्दी पहन के हर चीज पहन के मुश्किल है ये हाँ। यानी कि वो उसके ऊपर से देखा पीछे उसके छोटे से पैराशूट खोला उसको सीधा किया फिर उसके बाद उसने अटैक किया उसको जर्क भी नहीं लगा फौजी को Thank you.
ये फलस्तीन था। मुझे शायद लग रहा है झंडा नीचे झंडा लग फलस्तीन रहा का था। था। किस सीरिया था? मेरे ख्याल में सीरिया। हाँ कुछ इस तरह था। हमें तो झंडे भी सब मिक्स हो जाते हैं। ओह आवर फेवरेट पाकिस्तान। यस कितना अच्छा लग रहा था शेड ऐसे। ये वही है वो जैसे हाँ वो ये वीडियो सही डिटेल में है। इसमें काफी ज्यादा कई नए शॉट्स भी हैं, बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट। ज्यादा। हाँ अच्छा मुझे ये हमेशा समझ नहीं आई कि ये ऊपर ये क्यों लगाए होते हैं इन लोगों ने, या किसी चीज को कवर किया होता है इन लोगों ने तो इसके। कवर किया होगा ये। नहीं आगे बिल्कुल बिल्कुल नोज के ऊपर भी एक अच्छा फीते सा लंबा सा स्ट्रिप सी लटक रही होती है, तो ये बताइए अगर किसी को पता हो तो कि ये चीजें किस लिए लगाई होती हैं। ये इसलिए तो नहीं होता कि इतना फासला रखें या फिर वो ना नहीं नहीं रखें। नहीं वो तो बिल्कुल नोज के ऊपर एक स्ट्रिप लटक रही होती है, और वो हाँ सारी बात तो स्ट्रिप तो नहीं उसके लिए होगी ना, ये तो कवर मुझे लग रहा है, लेकिन वो इस तरह की चीजें क्यों लगाई होती हैं जो पहले पहले हटाई जाती हैं फिर इसको उड़ाया जाता है। कोई पायलट ही बताएगा अब। सब चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है उसके उसके वो पेज वगैरह। निशाने देखिए कितने हाँ। एक्यूरेट हैं, उसकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर निशाने उनके इतने एक्यूरेट लग रहे हैं हाँ। जैसे कि बहुत करीब से जाके मार रहे ओरिजिनल हैं। में क्या हालात होंगे। उनकी मशीन गन कितनी हैवी लगी हुई है कि मुसलसल फायरिंग हो रही है उसके अंदर से, और वो मुसल एक बीच में ब्रेक नहीं आ रहा किसी का हाँ। भी। एक भी नहीं।
अपना झुट गया उसका। हाँ थैंक्स है। इट्स अ डिटेल्ड वीडियो। अच्छा शॉट लगता है वाकई। हाँ। खड़े हुए हैं सामने कि उसी टाइम पे शॉट लिया गया है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये पिक्चर है। लेकिन उस कितने अच्छे तरीके से शॉट लिया, लगता है वाकई वहां पर कैमरा मौजूद है। हाँ ये पिक्चर है, ये ओरिजिनल है। मेरे ख्याल में वो पिछला फुटेज भी ओरिजिनल था। वैसे खड़े थे स्टैटिक। हाँ, सारे स्टैटिक फौजी। हाँ। ये था। हाँ ये इसका मुजस्मा ही बना हुआ। हमें बताया गया था कि एक दुश्मन का सिपाही जो जख्मी हो गया था उसको भी उठा कर ले आए थे। अपने तो साथी लेकर आते ही आते हैं, उनको देकर आए थे जाते। लेकिन दुश्मन का एक सिपाही जख्मी था तो उनको उठा के दुश्मन को देकर आए थे। हाँ। उसका मुजस्मा ही बना हुआ है। एस एम वन है।
ये फतेह NSSM है। Osman kara, alem kara. Dost yekla, kumli kara. Acha. Oh.
हाँ, एक साइड पे जाके वो कर रहे हैं और कितना आवाज होगी इसकी, कितने अच्छे लग रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे वो। गाड़ियाँ, गाड़ी भी और चीज़, सामाने सामान भी सामाने। वाह, अमेजिंग। हाँ, इतना अच्छे छोटे सामान। ओह, अमेजिंग, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल। हाँ, देखने का भी मजा आता है ना, बहुत ज्यादा है ना, हम एंजॉय करते हैं। यानी पहले की वो तो प्रैक्टिस है, अगर इसके आगे कोई चीज आए तो रास्ता चेंज कर लेते हैं। कितनी आवाज है ये, का बहुत ज्यादा रोल है। ओह, ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह, वाह, बेहतरीन। हाँ, ये तो मतलब इससे हाँ एनिमेशन बहुत अच्छी लग रही है ये। बहुत डिटेल वीडियो था। हाँ, बड़े अरसे बाद आर्मी भी रिएक्शन किया और यकीन करें तमन्ना पूरी हो गई हमारी तो। इतना डिटेल वीडियो। हाँ, और इतने ज्यादा क्लिप्स, और कुछ क्लिप्स हमने देखे हुए थे लेकिन कुछ क्लिप्स उसमें बहुत ज्यादा न्यू भी थे। हाँ, जो बहुत मजे के थे, क्यों फिर? बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आया, आपने देखा होगा, मैं तो एंजॉय कर रही थी। हाँ, और जो पीछे गाने चल रहे थे वो भी कुछ तो हमें सुने हुए थे और कुछ। हाँ, तो हमारे फेवरेट थे क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में सुने हुए थे तो रिएक्शन कर चुके थे। लेकिन अमेजिंग, बहुत अच्छा था और मजा आया देख के। और आर्मी पे तो हम लोग अल्लाह पे, थैंक यू सो मच, जिन्होंने इतना डिटेल्ड लिंक हमसे शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके टाइम पे मिलती रहा करे। इसी मज़ेदार वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।